फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसा रहा शिरकुरमा? मजा आया कि नहीं देख के? बट किसी ने भेजा नहीं अभी तक की रेसिपी। सब बोल रहे हैं मैं भी बनाऊंगी ईद में, मैं भी बनाऊंगी ईद में। सही बात है ना। चलेगा, कोई नहीं, कोई ईद में एक साथ आनी चाहिए सबकी फोटोज। ठीक है, तो अभी बताओ फिर आज क्या बनाने वाले हो? आज मैंने सोची हूँ, रमजान अलविदा बोल रहा है, खजूर का सीजन भी अलविदा बोलेगा। अभी खजूर का सीजन चल रहा है तो मैं बोली खजूर की रेसिपी डाल देते। अरे वाह, खजूर की बर्फी बनाना बताऊंगी आपको। अरे वाह, तो आज फिर से स्वीट डिश है, यानी कि मीठे में वापस कुछ आ गया है। अभी जैसे कि रमजान में खजूर एकदम नॉर्मली मिल जाते हैं और रमजान में थोड़ी कठिनाई होती है खजूर मिलने के लिए, और बहुत से लोगों को खजूर पसंद होता है। तो आज हम बनाने वाले खजूर की बर्फी है ना मम्मी? हाँ। तो चलिए फिर, इंग्रेडिएंट्स क्या ज्यादा होगी कम होगी, कैसा रहेगा? आसान, थोड़ा सा एकदम आसान तरीके से, मतलब एकदम इजी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए फिर इंग्रेडिएंट्स में नजर मारते हैं और देखते हैं खजूर की बर्फी बनती कैसे। शुगर फ्री। तो हमको सबसे पहले लगेंगे हमारे खजूर, घी, हरी इलायची पाउडर, खसखस, बादाम, पिस्ता, काजू। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारे खजूर, ये आधा किलो खजूर है 500 ग्राम। तो हमको इसकी बीज निकालना है अंदर की। तो सबसे पहले हम इसकी बीज निकालते हैं। इसकी बीज बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो देखो मैंने निकाल दी मेरे पूरे खजूर की बीज, एक 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 बीज पूरी इस तरह से पूरे खजूर में से मैं बीज निकाल दी। अब हम इसको डालेंगे मिक्सर में पीसने, धीरे धीरे करके पीसना। आप मिक्सर में डाल के मिक्सर घुमा मत देना, मिक्सर डाल के धीरे धीरे एक 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 स्टेप ले लेके बंद करते रहने का, तब जाके ये पीसे जाएंगे। क्योंकि ये चिकट है, आपका मिक्सर एकदम जाम हो जाएगा, इसके लिए आपको धीरे 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 पीसना है। ठीक है, मैं अभी इसको पीस लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये पीस लिया, ये पीसना ही एक बड़ा टास्क है। ठीक है, तो अभी हम इसको रखते इधर। तो अभी हम सबसे पहला हमारा फ्राई पैन ले लिए। अब हम इसमें ये खसखस इसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, आप अगर खसखस नहीं है तो सूखा खोपरा है, सूखा खोपरा कोकोनट सूखा, उसको अच्छा खिसक के उसको ऐसा भून लो। ठीक है, उसको भून के ये खसखस की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास था तो मैंने यही ले ली। तो देखो इसमें अभी खुशबू आ गई, 2 मिनट अभी ये उड़ना चालू हो गया। मालूम है ना आपको, खसखस भूनते टाइम पे बहुत ज़ोर ज़ोर से उड़ता है। अभी इसको हमको जलाना नहीं है, अभी इसको हम निकाल लेंगे। इसको अभी ठंडा होने रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी। अभी हम यही ड्राई फ्रूट इसमें डाल के भून लेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो मैंने इतना ली हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी इतना ही लो। आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपको बर्फी बनाना है आप अपने खजूर पीस के अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डाल लो, उसमें भी बर्फी बन जाएगी। देखो मेरे हो गए, अभी ये ड्राई फ्रूट लाल हो गए, इसको जलाना नहीं अपने को, अभी गैस स्लो कर देंगे, अब इसको निकाल लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये हो गए कुरकुरे अपने। तो अभी मैंने ड्राई फ्रूट पूरे निकाल ली, अभी ये बचे हुए घी में ही हमको ये डालना है खजूर। और इससे ज़्यादा घी था इसमें, मैंने थोड़ा घी अलग निकाल ली, इससे ज़्यादा घी और नहीं डालना है इसमें। अभी इसके अंदर ये खजूर हम अच्छे से, ये बहुत है ना चिकट हो जाता है पीसने के बाद, है ना, इसको हिलाना ही हाथ दर्द है, मेन है इसका ये पीसना और इसको फिर बाद में भूनना, ये फ्राई पैन में जाके एकदम चिकट हो जाता है। अब ये चम्मच से चिपके रहेगा इसी, अब इसको इसी तरह से 2 मिनट के लिए छोड़ देते। तो देखो हो गया ना 2 मिनट मेरे, अच्छे से खजूर मेरे पूरे घी में मस्त भून गया। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, पूरा खजूर एक दूसरे को
चिपक गया अच्छे से और मैं इसको भून भी लूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने ड्राई फ्रूट भी डालेंगे और भूनेंगे। इसमें गोंद भी डालते, कमर के दर्द के लिए जो गोंद खाते हैं ना अपन, वो गोंद फ्राई करके डालने का। और ये खजूर के लड्डू क्यों खाते मालूम, ये गर्म होते, गर्म ये ठंडी के महीने में खाने से ना बदन में चुस्ती फुर्ती रहती है, अच्छी सेहत अच्छी रहती है। ठंडी के लिए बहुत से लोग है ना ये एक एक किलो बना के रखते हैं अपने घर में रोज खाली पेट खाने के लिए। ये खजूर से ना बहुत सारी बीमारी दूर होती है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है खजूर, मालूम है आप लोगों को। तो देखो अभी मैंने ना इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है बस, बाकी तो मैंने सब ऐड कर दी। हाँ अभी हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया, अब हम इसको निकाल लेंगे। गैस बंद कर दिए हमने अभी, बस हो गया हमारा। अब इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से। हाँ बिस्मिल्लाह। हाँ इसको अभी ठंडा करेंगे क्योंकि हमको बर्फ़ी भी बनाना है, लड्डू भी बनाना है इसके, तो अभी गरम गरम में तो हमारा हाथ जल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा देर अभी ठंडा होने देते। तो देखो मैंने इसको ठंडा कर ली, अभी मेरे हाथ में चक्के नहीं लगा है, अंदर थोड़ा थोड़ा गर्म है मगर इतना है कि अभी हाथ लगा सकते, बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो अभी हम इसको ले लेंगे हाथ के, थोड़ा हाथ में अपने घी लगा लेंगे ताकि ये हाथ को ना छिपके। ये चिकट है ना ज़रा, तो इसका यही प्रॉब्लम रहता है कि हाथ को घड़ी घड़ी घी लगाना पड़ता है। अभी इसको हम अच्छे से ऐसा गोला बना लेंगे मस्त। देख रहे हैं आप लोग, तो देखो मैंने इसको ऐसा गोल कर दी हूँ रोल। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी खशखश रखे हैं हमने। हाँ ओहो हाँ, आप इसको सूखा खोपरा भी डाल के कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी एक परेशानी और है, मेरे पास सिल्वर पेपर नहीं है इसको लपटने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं, अब बताओ मैं क्या करूं। देखो मैं क्या कर रही हूं, मैं कुछ आइडिया लगा दूं। जुगाड़ू ये अभी मैंने एक पन्नी ले ली है, अब पेपर की तो दुकान ही बंद है, खुली है ही नहीं, तो क्या कर सकती हूँ मैं। ये ले ली मैंने एक पन्नी बड़े आराम से, ठीक है। अब ये पन्नी की मदद से मैं इसको आराम से रोल करूँगी, इसको बड़े संभाल के करना हाँ, क्योंकि अभी नरम है, ये फ्रिज में जाएगा तभी जाके थोड़ा ठीक होएगा, अभी तक तो ये नरम ही है। तो ये हो गए हमारे, हमने इसको कर लिए इस तरीके से। अभी यहाँ से भी हम ऐसा मोड़ लेंगे, अब इसको गोल करके यहाँ से भी हम मोड़ लेंगे, अब इसको ऐसा करके रख देंगे हम इसको फ्रिज में ले जाके, ठीक है। तो देखे ना मैंने रोल को कैसा जुगाड़ करी, पेपर तो मिला नहीं तो मैंने उसको पन्नी में ही रोल करके डिफ्रीजर में रख दी। अब ये बचे हुए खजूर के हम बनाएंगे लड्डू, है ना, आधी बर्फी आधे लड्डू, ये बहुत मज़ेदार होते एकदम। और ये खशखश है ना जितना खाएंगे ना तुम, इसके अंदर प्रोटीन भर भर के है खशखश में। आप देखते हैं ना मेथी के लड्डू लाओ MM से डिलीवरी के, इतने मस्त रहते हैं वो। ये हो गए हमारे लड्डू, तो देखो इसी तरह से मैंने मेरे लड्डू भी बना ली बचे हुए खजूर से। लड्डू आधे लड्डू बन गए, आधे गए डिफ्रीजर में बर्फी बनने के लिए, तो अब उसको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे वो ठंडे हो जाते हैं आती हूँ मैं आधे घंटे के बाद आपके पास लेके, ठीक है। तो देखो मैंने डिफ्रीजर में से निकाल के लेके आई अभी,
पूरा 1.5 घंटा हो गया। देखे ना कैसा, पन्नी तो मिली नहीं थी मुझे सिल्वर पेपर, तो मैंने कैसा करी थी इसको आप लोगों के सामने बताऊंगी अभी मैं। हाँ, उससे पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैंने लड्डू भी जाके रख दी थी फ्रिज में। देखो मेरे मस्त लड्डू कितने मस्त मस्त बन गए, देख रहे आप, पूरा खशखश की कोटिंग कर दी हूँ मैंने उसके ऊपर से मस्त। तो अभी हम इसको खोलते, मैं बता रही हूँ आपको खोलते हुए, देख लो आप मैंने कैसा इसको लपटी हूँ। देखो ये 5 किलो चावल और गेहूँ की थैली है, 5 किलो चावल और गेहूँ की थैली जिसमें हम चावल और गेहूँ लेके आते, उससे मैंने जुगाड़ करके ये रखी थी। अभी तो मैंने ये 1.5 घंटा रखी, आप लोग इसको ना कम से कम 3 घंटा छोड़ना। अब हम इसको आराम से काटेंगे। अभी रात के इतना लेट हो गया है करके मैंने निकाल के लेके आई। अभी इसको देख रहे ना आप लोग, हल्का सा फिर भी है इसमें नरमपन, तो आप लोग अपने फ्रिज में इसको कम से कम 3 घंटा रखना। ये तो मैं बहुत जुगाड़ करके बनाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, जो जो चीज है जो जो चीज नहीं है उसमें। तो देखो मेरी बर्फी बन गई, लड्डू भी बन गया, इस तरीके से मैंने काट ली मेरी बर्फी हो गई रेडी। देखे आपने, लेकिन एक बात बोलूंगी, ये लड्डू और ये बर्फी कम से कम 3 घंटे तक डिफ्रीजर में रखना, उसके बाद ही निकालना। सो दोस्तों खजूर की बर्फी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं खजूर की बर्फी बोल के मैंने खजूर के लड्डू भी बना दिए, ये देखो अभी बढ़िया बना। अभी की ट्रिक एक से एक रही थी, मैंने तो सही में सोचा नहीं था कि अभी इस ट्रिक से इतने अच्छे से बना पाएंगे, बट बना लिए। तो अभी बताओ फिर अभी खा के कैसे बने, हम लोग ने अभी तक टेस्ट नहीं किया सही में गाइस। ये रेसिपी के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, 1.5 घंटा 1.5 से 2 घंटा हम लोग नीचे वेट कर रहे थे कि अब थोड़ा कड़क होगा अब थोड़ा कड़क होगा, क्योंकि क्योंकि थोड़ी फ्रिज भी ना थोड़ी लो चल रही है, बट जिसकी फ्रिज ओके मतलब अच्छी रहेगी ना तो उसकी 3 घंटे में हार्डली मतलब कड़क हो ही जाएगा। 3 घंटे में ना ये जो बर्फी ना थोड़ा कड़क रहती ना तो और मजा आता है। और मैंने बर्फी के साथ साथ लड्डू बनाने का डिसीजन इसीलिए लिया था, लड्डू अच्छे लगे, जो जिसके घर में फ्रिज नहीं है तो उनको काटने वाटने की प्रॉब्लम नहीं है, तो लड्डू तो बन जाएगा आराम से, लड्डू अच्छे फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। अपना बनाओ और 3-4 घंटा ठंडी जगह पे रख दो। हाँ। पानी रखो टोप में, उसके अंदर एक कटोरे में ये पूरे लड्डू रखो और वो थाल में रख दो और 5-6 घंटा भूल जाओ, आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे, आपको कोई काटना वाटना है नहीं। हाँ, बर्फ़ी का ज़रा टेंशन है कि बर्फ़ी फ्रिज में ही रखना पड़ता है, इसके लिए मैंने लड्डू भी बता दी कि जो बच्चों के पास फ्रिज नहीं है वो लड्डू बना सकते हैं खजूर। बट तरीका तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि किस तरीके से इसकी बर्फी बनती है। वैसे तो आप लोग ये मतलब सोचे नहीं थे कि अभी खजूर की बर्फी बनाएंगे, बट ध्यान में हमने क्या है, रमजान का महीना चल रहा है और खजूर भी सब लोगों के पास अभी ये टाइम पे अवेलेबल रहते हैं और रमजान भी अभी खत्म पे है, तो 7 दिन के बाद सबके घर में थोड़े ना थोड़े खजूर तो बचेंगे। नहीं, खजूर का फिर सीजन भी चले जाएगा, मैं बोली बाद में बता के मतलब नहीं, अभी बता देती हूँ ताकि खजूर का। चलो अभी टेस्ट करो, अभी टेस्ट करने बैठे। हाँ, करो करो। ये देखो मैंने तो मस्त निकाला और जो इसके ऊपर है ना ये क्या खसखस, हमने खसखस। ओहो आओ आप भी खाने, मस्त है, नरम नरम खजूर। हाँ। क्रिस्पी क्रिस्पी नट्स अंदर से और ये खसखस भी एकदम से कुड़ुम बोल ना कुड़ुम कुड़ुम वाली है। आप लोग को बताई ना मैं, जिसके पास है वो अपना गोंद वगैरह डाल दिए तल के, जिसको हड्डियों में दर्द है गोंद अच्छा रहता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छी है खजूर तो, इसमें पहला तो ज़्यादा तेल नहीं यूज हुआ है, शक्कर नहीं यूज हुआ, बिना शक्कर के एकदम मस्त मीठे हैं, सिर्फ खजूर के बदल मस्त बनाए थे मैं। अभी तक तो मैं सिर्फ उतना बाहर से खाता था सब चीज़ें, बट अभी अम्मी के हाथ के वाह बढ़िया। नहीं लेकिन खजूर कैसा है ना, हर बीमारी का हर मर्ज का इलाज है। हाँ। तो ठंडियों में इसको ज्यादातर बना के रखते हैं अपने वाले, और उसमें काजू बादाम भी है। हाँ। जो कि अपने हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। डिफ्रीजर में रख दो आप, महीना डेढ़ महीना देखने की जरूरत नहीं, खराब नहीं होता। कंपेयर ये मिठाई के ना लड्डू थोड़े ज्यादा कड़क हुए, यानी कि अच्छे लड्डू है। हाँ तो इसके लिए कोई वो अपने को मिला नहीं ना सिल्वर पेपर, क्वांटिटी भी ज्यादा थी और वो एक दूसरे से चिपका हुआ था,
तो इसके लिए उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कड़क होने के लिए। और ये लड्डू पे का पूरा पैक हो चुका है और प्लास्टिक की कोटिंग में था ना। हाँ हमने दीवार लगाया प्लास्टिक में, फॉइल पेपर बाहर लेने गया बट सब बंद है तो कुछ मिला नहीं, तो हमने बोले अपन प्लास्टिक से करें। तो भाई मिठाई तो मस्त थी, खाने के आप लोग भी ट्राई करना। हाँ पर आप लोगों को अभी कौन सी रेसिपी चाहिए कमेंट्स में बताते रहना, क्योंकि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप लोग बताएंगे तो आपकी फरमाइश पे ज़्यादा बनाऊँगी। थोड़े इसीलिए लगना अभी तक खाना खाए नहीं, अभी नीचे गए खाना खाएंगे वो। हाँ तो बताओ ना आप सुबह से काम काम उसके बाद आके ये कर फिर इसको डिफ्रीजर में रख के डेढ़ घंटा दो घंटा इंतजार करिए। मैं ना हाँ ये लेट हो गया। हाँ फिर रात के एक बज रहा है। तो चलो फिर गाइस ये मुझे बना के भेजना, मैं वेट करूंगा इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो करो। लेकिन बेटा आप लोग के कमेंट्स आते ना तो मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। हां ये बात है, थकान दूर हो जाती है। ठीक है, मैं बोल रहा था कि स्ट्रीट फूड जाएगा के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, गाइस प्लीज जाके फॉलो करो, वहां पे आपकी रेसिपी बना के मुझे शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।